मलन साहब ने कल रात को मेरे से एक्स्ट्रा रोटी बनवा के रखी कि कल ना सुबह मेरे को ब्रेकफास्ट में तली हुई रोटी खिलाना, बेसन वाली। तो मैंने ना तीन रोटी बना के रखी हैं, क्योंकि ना अभिषेक ने और ना ही मैंने खानी, ये चस्के सिर्फ मलन साहब के हैं। तो एक बार उनसे भी पूछ लेते हैं, हो सकता है वो भूल गए हों, कुछ और बोल दें। तो अभी चलते हैं, पहले मलन साहब से पूछते हैं कि उन्होंने ब्रेकफास्ट क्या करना है। मलन साहब, हाँ जी, तैयार हो गए? और क्या, ब्रेकफास्ट क्या करोगे? तुसी तैयार हो गए और मैं आज ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। मैं कल कह रहा था ना कि कोई वो बनाई होगी रात की रोटी की, वो सुबह स्पेशल बनवा के रखी थी, बेसन बेसन में डाल के बनाना, वहाँ मजा आ जाता है। अच्छा, वो कह रहे जो बादी रोटी बासी रोटी होती ना रात की, हाँ। तो सुबह खाने से ना शुगर भी कंट्रोल रहती है और बड़े इसके मतलब अच्छे इफेक्ट होते हैं बॉडी पे। अच्छा जी, हाँ जी, क्या बात है डॉक्टर साहब। शुगर ठीक करने लिए बीपी हाई कर लो, तलिया तो, होया खा के उतना लिमिटेड खाओ ना, ये जरूरी थोड़ा है कि हाँ भाई वो है कि हाँ भाई 10 खाने 20 खाने दो चार खाओ बस, और क्या वो बना रही है ना फिर हुकम होया तो बजाना ही पड़ेगा। जब इनके पसंद का कुछ बना दो तो फिर जिंगल लाला हो जाती है ना, कितने खुश हो गए। ये खाने के चस्के सारे इनके हैं, बनाते हैं बेसन वाली रोटी। तो चलिए पहले फिर बेसन घोल लेते हैं। डाल देते हैं बेसन, नमक, लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया और थोड़ी सी काली मिर्च, आधा चम्मच चाट मसाला और कसूरी मेथी। पानी से घोल लेते हैं। बेसन का घोल हमारा रेडी हो गया, अब इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं, तब तक हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा। रोटी को पहले पीसेस में काट लेते हैं, एक रोटी के 4 पीस। जैसे हम ब्रेड बनाते हैं बेसन वाली, सेम वैसे ही है, बस ब्रेड की जगह हमने रोटी लगा देनी है। ये हो गई बेसन वाली रोटी। अब खुशी देखना इनकी, वैसे तो आपने देख ही ली, जिंगल लाला कर रहे थे। लो जी, रात में बोलती भी है अब इनकी खुशी। अभी कर रहे थे ना जिंगल लाला। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी की याद आ गई, मम्मी ऐसे बहुत बढ़िया बनाती है। अच्छा जी, 20 मिनट्स लेटर। ये देखो ये सोया पड़ा है, ये पता तब चलता है जब आवाजें रूम से आती है, तो पता चलता है कि अभिषेक मलन उठ गए हैं, मिस्टर फुकरा इंसान उठ गए हैं। आज मैंने मम्मी आपके लिए सरप्राइज है। मेरे लिए सरप्राइज और तेरी तरफ से टिकट बुक कर दिया है। क्या बात, रिक्लाइनर सीट, ए विलन, सही में? अरे वाह, क्या बात, उठते ही मेरे को इतनी खुशी दे दी। मम्मी ऐसे मैं शमशेरा देखने चला गया, निश्चय भी शमशेरा देखने चला गया। मम्मी मेरे बच्चे मुझे कहीं नहीं घुमाते, पूरी दुनिया घूम ली। पहली बार मेरे को ये मूवी लेके जा रहे, पहली बार, हमेशा नोनू दिखाते हैं मूवीज। रोज के व्लॉग बनते हैं, व्लॉगों में दिखा दूंगा आपको कितनी मूवियां दिखाई हैं, पर आपने तो करना है। मेरे बच्चे मुझे देखना, आज मेरे लिए मूवी की टिकट बुक कराई है और कैसे मेरे को वो कर रहे हैं। मेरा मन कर रहा था देखने का, ये अकेला चला गया, तो मैंने कहा कि मुझे क्यों नहीं लेगी क्या। मलन साहब जाने को तैयार है और अभिषेक कह रहा है इनको क्यों जाना है पता नहीं, रोज ही तैयार हो जाते हैं, बस वीडियो के चक्कर में ही भागते हैं वो। आ रहा है बोला रील बनाई है, कह रहे पापा को बस पापा के साथ। ये कंटेंट आदमी अगर रोज काम पे चले जाएंगे तो मजा क्या आएगा जिंदगी में। आजकल रोज ही तैयार हो जाते हैं, मजा आ रहा है इनको। बस आगे से हंस के दिखा दिया उनको, कंटेंट कह रहे मेरे को वीडियो में नहीं आना, बताओ वीडियो नहीं बनानी, इसीलिए ये सुबह भाग जाते हैं, सुबह 11 बजे भाग जाते हैं ताकि मेरे को वीडियो बना ले। हाँ, इनको बोला है कि मत जाओ, फिर अपना बैग सा उठा के भाग रहे हैं। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। तो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये देखो हमारे घर BGMI किंग और BGMI देवता दोनों आए। आपकी शर्ट पे क्या क्या लिख रखा भाई साहब? टू-डू लिस्ट। अरे नहीं नहीं भाई, गंदी बातें नहीं करते। चल भाई, तेरे को डिंपल्स किचन के स्पेशल ब्रेड पकोड़े खाने हैं, टेस्ट करके बताओ कैसे हैं। ठीक है। केचप के साथ? वो तुम, मैं ये भी मैं ही बताऊं, सब कुछ हम बताएं, ये पर्सनल चॉइस है। इंस्टाग्राम पे डल गई भाई, वाओ। चलो मैक्स 10 टेस्ट इट एंड टेल हाउ इट इज।
आराम से टेस्ट करेंगे। वैसे मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा होगा क्योंकि मैं बहुत दिनों से डाइट पे हूं। ओहो हो हो हो, बड़ा मजा आता है डाइट क्या सारी चीजें खाने में। बोलना मैंडेटरी है, नहीं तो मार भी तो पड़ेगी। सही बात नहीं है, मजा आ गया। ये इतने बड़े बड़े बच्चे और सिर्फ दो पीस खाए दोनों ने, सिर्फ दो पीस। ये डाइटिंग पे है, डाइट पे हूं और मैं अभी सो के उठाऊं तो मैक्सटन का इतना सा तो पेट है, उसको कितने आप एक्सपेक्ट करते हो? मैं अपनी कैपेसिटी से 50% ज्यादा खा रहा हूं। हे भगवान, नाड़ा पकौड़ा है। बेसन वाली ब्रेड के साथ साथ मैंने रखे हुए थे फूल मखाने रोस्ट करने, अंदर उनको देने गई हूँ और ले लो, वो कह रहे और नहीं खाने, तो मैं उनको इंसिस्ट कर रही थी कि ले लो इतने बड़े बच्चे हो। इतने में मेरे सारे फूल मखाने जल गए, खाने लायक ही नहीं रहे। लेट अगेन, ये आई 3 बजे है, इतनी लेट, ऊपर से आके ऐसे बर्तन तोड़ रही है और सच में ही तोड़ दी प्लेट। बताओ तेरे को कोई मतलब ढंग से काम करना नहीं आता तो जानबूझ के ही तोड़ती है। नहीं। इतनी जल्दी पड़ी होती है कि घर पहुंचना है मेरे को। ये टूटी हुई प्लेट नहीं तोड़ी तूने, नई प्लेट तोड़ी है, ऊपर से देख रही है, कहती है टूटी हुई तो नहीं थी पहले। क्या बात है, बन गई तेरी रील ने। अगर 7:30 की मूवी है तो तूने जिम कितने बजे जाना है? 6 बजे जिम से वापसी। बस टाइम हो रहा है तेरा जिम का। कुंडी लगा ले सैया। चाय का टाइम हो गया आपका, आ गए। पूरे चाय के टाइम पे आए हैं। नहीं मुझे चाय नहीं पीनी। हाँ आज नहीं पीनी ना? ऐसे कैसे खून पीना आपने मेरा। Later that same evening. अभी जा रहे हैं हम मूवी देखने और इस लड़के का चश्मा नहीं मिल रहा, ये देखो मेरे को चश्मा मिल चुका है। हाँ। अरे 5 मिनट रह गए यार मलन साहब, बाद में। मलन साहब आपका खाना बना के रख दिया है, हम जा रहे हैं। कान्हा जी को भोग लगा दिया है, उनके कपड़े भी चेंज कर दिए, आप बस सुला देना उनको उनके टाइम पे। पैसे उठा लिए? पैसे हमने ले लिए। ओके बाय। जाना तो हमने बिल्कुल पास वाले थिएटर में है, लेकिन बारिश हो रही है इसलिए हम जा रहे हैं गाड़ी में। और ये लड़का ना इतना लेट करता है ना, इससे तैयार ही नहीं हुआ जाता। फुल टाइम हो चुका है, देखना हम लेट हो जाएंगे। घुसते ही सबसे पहले पॉपकॉर्न के काउंटर पे चला गया ये। One eternity later. क्या ही मूवी दिखाई तूने भाई। भाई मैं मतलब कह रहा हूँ बॉलीवुड को ना अब मूवीज देख लेनी चाहिए रिलीज करने से पहले, सही बता रहा हूँ। मैं तेरे को पहले फर्स्ट हाफ में मैंने तेरे को बोल दिया था। माय लाइफ आई लाइक अर्जुन कपूर मतलब मूवी में, बट मूवी में कुछ क्या स्टोरी मतलब पता नहीं कोई सी प्यारी नहीं लगा मेरे को। सच्ची में बताऊं सारी मूवीज देख सकता है आराम से, बट क्या चल रहा था पता ही नहीं। मैं हर मूवी देख सकता हूं मैं मतलब, पर मजा नहीं आ रहा। आई एम डिसअपॉइंटेड हाईली। मैं दिशा पटानी का इतना बड़ा फैन, लाइक सोनम बाजवा के मेरे को कोई पसंद है तो दिशा पटानी है। लेकिन क्या ही इस मूवी में क्या करा उसने? नीड टू वर्क ऑन स्टोरीज मतलब ऐसे मजा नहीं है। बेस्ट पता क्या था मूवी का पार्ट, जब एंड में रितेश देशमुख आया। बस 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 मतलब एंड में जो रितेश देशमुख को डाल दिया ना, वैसे को मेरे को पता कोई देखने जाएगा नहीं तो बता ही दो। और अगर देखने का प्लान भी है तो मत जाना मतलब। सही वन टाइम वॉच भी नहीं है बाय गॉड, इतनी बोरिंग मूवी है।